अच्छा बच्चों, आज मैं आपको ये हाउस बनाना सिखाऊंगी मैस्टिक का, ठीक है। बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। और आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे लॉकडाउन के टाइम आपके पास कुछ सामान होता है, किसी के पास नहीं होता, तो ये ऐसा सामान है जो सबके पास घर में ईज़िली मिल जाता है, मैस्टिक्स। तो ये तो सबके घर में ही होता है, तो इससे हम आज आपको हाउस बनाना सिखाएंगे। हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैच स्टिक हाउस बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। इसमें आपको इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप देख सकते हो पेज हो आपके पास, वेस्ट पेज, सीजर, और ये है मैच स्टिक्स हैं, और ये है हमारी टेप है। इसकी जगह आप मास्क टेपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मास्क टेपिंग, ओके, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इसको पेस्ट करने के लिए फेविकोल भी नीड है हमें, और ग्लू गन, मतलब आप दोनों के पास ऑप्शन है, या ग्लू गन का यूज़ करो या फेविकोल का यूज़ करो, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए बच्चों, अब इसमें हमने मैंने मैस्टिक्स ले ली हैं, कुछ मैंने इसको कट कर लिए हैं, और ये कुछ पूरी हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। ये देखिए बच्चों, अब मैं इसकी स्टार्ट कर रही हूँ, इसको कैसे बनाना है आपको, ठीक है। मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इसको ऐसे फिक्स करना है। ये हमारा विंडो पार्ट है, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए इक्वल हो चुका है, सेम यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इसकी क्वालिटी में लगाना है ऐसे। ये देखिए, इसको ऐसे ही पेस्ट करनी है, यहाँ पे ऐसे रखना है इसको, फिर इसके ऊपर हम टेप लगा देंगे। ये मैंने कर दिया है और ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, तो हम इसको अब ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका साइड का पार्ट रेडी करते हैं। ये देखिए इसको मैं इसको उठा रही हूँ, इसको मैंने टेप को निकाल रही हूँ, आराम से आपको निकालना है, और यहाँ से भी निकाल देंगे फिर हम, हमें ऐसे खींचना नहीं है, यहाँ से भी ऐसे। ये देखिए, ये निकल चुका है, अब हम इसकी जो टेप है वो हम काट लेंगे साइड से। मैं फिर से निकाल के दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से हमने इसको पहले निकाल दिया है और फिर इसको यहाँ से निकालेंगे। ठीक है,
फिर अब हम इसको सीजर से कट कर देंगे। अब हम इसको सॉलिड करने के लिए हम इसके अंदर फेविकोल भी लगा सकते हैं। आपको फिंगर की हेल्प से ही हल्का सा इसको आपको ऐसे करना है। जब ये सूख जाएगा फिर ये गिरेंगे नहीं। अब इसको हम रख देंगे ड्राई होने के लिए, तब तक हम इसके साइड्स पार्ट रेडी कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, इसका एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे ऐसे रखना है आपको, ठीक है। और मैं इसका ये साइड पार्ट रेडी कर रही हूँ और फिर उसके बाद हम साइड के इसके पार्ट रेडी करेंगे। फिर हम इसके ऊपर के फिर इसके बैक के इसको ऐसे ही, मतलब सारा सेम प्रोसीजर है, आप ऐसे ही करना है आपको। सिर्फ इसको रखना है और टेप लगाना है, फिर हल्का सा फेविकोल देना है इसके अंदर। फेविकोल देने से ये थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, ये गिरेगा नहीं आपका, टूटेगा नहीं। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सिंगल टेप नहीं लगाएंगे, अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कैसे टेप लगानी है। ये देखिए, अब इसका हम हाफ हाफ करके लगाएंगे। पहले हमने सिर्फ एक में ही लगा दी थी क्योंकि वो हाफ थी मैस्टिक, तो इसके लिए हम इसको हाफ हाफ करके लगाएंगे, ठीक है। पहले हमने ऊपर लगा दी है, फिर हम अब इसके ऊपर एक और लगा देंगे हाफ पार्टीशन करके हमने। फिर हम इसको फिर से काट देंगे यहाँ से। तो ऐसे ही आपको सारे पार्ट रेडी करने हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम ये सारे ऐसे इसको निकालेंगे, फिर फेविकोल लगाएंगे। आपको सारे ये 3-4 पार्ट रेडी कर देना क्योंकि हाउस बनाने के लिए हमें ऐसे ही ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे ही आपको सारे पार्ट रेडी करने हैं। ये मैंने कर दिए हैं। अब इसके अंदर आपको फेविकोल लगाना है जैसे मैंने आपको बताया है। और देखिए, मैंने ये सारे पार्ट रेडी कर दिए हैं, 1, 2, 3, 4। और ये हमारा फर्स्ट का हो गया और ये हमारे विंडो के हो गए, ठीक है। अब हम इसको सबको जोड़ देंगे, ठीक है। और एक हमारा ट्रायंगल पार्ट रह गया, वो हमारा ऊपर लगाने का। अब वो रेडी करना है आपको, वो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये देखिए बच्चों, मैंने इसका विंडो पार्ट भी रेडी कर दिया है, मैंने इस पर टेप लगा दी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जैसे मैंने इसको जोड़ दिया है, पर इसके अंदर ये ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसका फ्रंट साइड बना रही हूँ। ये देखिए बच्चों, मैंने इसको फ्रंट को भी रेडी कर दिया है, बस मैंने इसको टेप लगानी है। और मैंने इसको देखो रख दिया है और अब मैं इसमें टेप लगाती हूँ। ये देखिए, इसमें टेप लग चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और मैं इसको अब कट करूँगी जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें कट करके फिर उसके बाद हम इसको फेविकोल लगाएंगे। फेविकोल लगाने से ये सॉलिड हो जाता है, जैसे मैंने वो आपको बताया कि कैसे ये सारे मैंने पीस रेडी कर दिए हैं फेविकोल लगा के, और अच्छे से एकदम सॉलिड हो चुके हैं ये। ये देख सकते हैं आप, एकदम ये इधर उधर जाएंगे नहीं और एकदम फिक्स रहेगा ये जब हम इसको ग्लू गन से पेस्ट करेंगे। ये देखिए बच्चों, मैंने इसको वी शेप में कट कर लिया है, ट्रायंगल शेप में, जो हम डोर के ऊपर लगाएंगे। ये हमारा डोर का है, हम इसको इससे पेस्ट करेंगे, ठीक है, ग्लू गन की हेल्प से। तो हम इसको ऐसे पेस्ट करेंगे और फिर ये हमारा पेपर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि पेपर के ऊपर हम इसको रख के पेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम पेपर की कटिंग करेंगे कि जैसे मैं आपको अभी वीडियो में बताती हूँ। देखिए बच्चों, ग्लू गन गर्म हो गई है,
तो हम इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं ट्राइंगल को ओवर ऊपर से। ये हमारा जॉइंट हो गया है। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको सॉलिड करने के लिए हमें प्रेस करना होता है। इसको हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं जो भी हम ग्लूगन से पेस्ट करते हैं, तो हम इसको ऐसे प्रेस कर देते हैं। देखिए ये हो गया है। ठीक है, अब हम पेपर के ऊपर करेंगे। अभी हम ऐसे करेंगे, जो हमारा टेप वाला साइड था हम उसको अंदर करेंगे, और जो हमारा मैस्टिक वाला था साइज जिस पे हमने फाविकोल लगाया था वो हम बाहर की तरफ करेंगे, उसको हम अंदर की तरफ नहीं करेंगे। तो हम इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम इधर से करेंगे, हमें पेपर के ऊपर ही करना है। और ये हमारा हो गया, तो अब हम इसके नीचे भी ग्लू गन लगा देते हैं। अब ये कहीं जाए ना, एकदम हमने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है बच्चों, हम यहाँ से करेंगे। यहाँ से हमने इसकी विंडो वाला पार्ट देखा था, वो विंडो वाला पार्ट हमने इसको इसके साथ जोड़ना है। ये देखिए बच्चों, इतना हो गया है। अब हम इसके बैक पे आ जाएंगे। तो हम इसका बैक रेडी करेंगे यहाँ से ऐसे। देखिए बच्चों, अब ये सब कुछ रेडी हो गया। अब हम इसको छत लगाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं इसको डबल में ही शिफ्ट कर रही हूँ। देखो डबल डबल लगाऊंगी मैं। अब देखना आप कैसे लगेगा ये मैंने ऐसे लगा दिया है, और मैं अब इधर से भी पहले फिक्स करूँगी। ठीक है, अब मैं इधर से फिक्स करूँगी।
ये देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला था ना डबल, तो ये हम इसमें लेयर्स लेके आ रहे हैं। तो अब इधर से भी रहेंगे, अब इधर से भी करेंगे। इधर से भी हमारी लेयर्स आ गई हैं, आप देख सकते हैं इसमें टू टू लेयर्स आ गई हैं, जैसे ओरिजिनल हट में होती है। तो अब हम इसको भी फिक्स कर देंगे। तो बच्चों आप एकदम ध्यान से करना, हॉट ग्लू गन बहुत ज़्यादा हॉट होती है, ठीक है। ये देखिए रेडी हो गया है ना। और अब हम इसके पेपर्स को कट कर लेंगे जहाँ से ये एरिया निकल रहा है बाहर। तो देखिए बच्चों ये रेडी हो गया है आपका हर्ट, और मैं इसकी अब कटिंग कर देती हूँ। आप कोई भी कार्डबोर्ड पेपर कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर लेना। मैंने पेपर ले लिया है बस नोटबुक का। आपकी जैसे वेस्ट लास्ट ईयर की कोई नोटबुक रखी हो तो उसका पेपर ले सकते हैं आप, और उसका कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। ये देखिए दिस इज रेडी। आप इसके नीचे हैवी कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं, पेपर भी लगा सकते हैं लाइक शो पीस। ओके